हेलो एवरीवन, मेरा नाम है केना और आपका स्वागत है मेरी चैनल केना गज्जर व्लॉग्स में। तो आज मैं एक और कहानी सुनाने जाने वाली हूँ जिसका नाम है बोलने वाली गुफा की कहानी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है, एक घने जंगल में बड़ा सा शेर रहता था। उसे जंगल के सभी जानवर थर थर काँपते थे। वह हर रोज़ जंगल के जानवरों का शिकार करता और अपना पेट भरता था। एक दिन वह पूरा दिन जंगल में भटकता रहा, लेकिन उसे एक भी शिकार नहीं मिला। भटकते भटकते शाम हो गई और भूख से उसकी हालत ख़राब हो चुकी थी। तभी उस शेर को एक गुफा दिखी। शेर ने सोचा कि क्यों ना इस गुफा में बैठकर इसके मालिक का इंतज़ार किया जाए, और जैसे ही वो आएगा तो उसे मारकर वही अपनी भूख मिटा लेगा। यह सोचते ही शेर दौड़कर उस गुफा के अंदर जाकर बैठ गया। वह गुफा एक शियार की थी जो दोपहर में बाहर गया था। जब वह रात को अपनी गुफा में लौट रहा था तो उसने गुफा के बाहर शेर के पंजों के निशान देखे। यह देखकर वह सतर्क हो गया। उसने जब ध्यान से निशानों को देखा तो उसे समझ आया कि पंजे के निशान गुफा के अंदर जाने के हैं लेकिन बाहर आने के नहीं हैं। अब उसे इस बात का विश्वास हो चुका था कि शेर गुफा के अंदर ही बैठा हुआ है। फिर भी इस बात की पुष्टि करने के लिए शियार ने एक तरकीब निकाली। उसने गुफा के बाहर से ही आवाज़ लगाई, अरे ओ गुफा, क्या बात है, आज तुमने मुझे आवाज़ नहीं लगाई। रोज़ तुम पुकार कर बुलाती हो लेकिन आज बड़ी चुप हो, ऐसा क्या हुआ है? अंदर बैठे शेर ने सोचा, हो सकता है यह गुफा रोज़ आवाज़ लगाकर इस शियार को बुलाती हो, लेकिन आज मेरी वजह से बोल नहीं रही है। कोई बात नहीं, आज मैं ही इसे पुकारता हूँ। यह सोचकर शेर ने ज़ोर से आवाज़ लगाई, आ जाओ मेरे प्रिय मित्र शियार, अंदर आ जाओ। इस आवाज़ को सुनते ही शियार को पता चल गया कि अंदर शेर बैठा हुआ है। वो तेज़ी से अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग गया। तो दोस्तों, हमें इस छोटी सी कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? तो हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी बुद्धि से काम लिया जाए तो उसका हल निकल सकता है। तो आई होप कि आपको ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी हो। और हाँ, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय श्री कृष्णा।